Thank you very much. Good evening, ladies and gentlemen. इस टाइम पे स्टेज पे खड़ा होके मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकती क्योंकि मैंने जो लाइफ अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ गुजारी है उसमें मैंने इतनी सारी ख्वातीन एक जगह पर नहीं देखी. मैंने जब भी गर्ल्स को कहीं इकट्ठे देखा है तो मैंने हमेशा उनको एक बात की है कि गर्ल्स कितना कलरफुल होती हैं. शायद यहाँ पर जिस वजह से आज ये इवनिंग सेलिब्रेट की जा रही है मैं उसको सेलिब्रेट करने शायद ना आई हूँ, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत सी दुनिया, बहुत से लोग काम कर रहे हैं. मैं यहाँ खुद के लिए ये सेलिब्रेट करने आई हूँ कि एक दफ़ा का जिक्र है, मैं भी एक लड़की थी जो शलवार कमीज़ और कलरफुल कपड़े पहनती थी. मैंने आज कोशिश की है शलवार कमीज़ पहन के और कलरफुल लगने की, के जो मेरी पर्सनैलिटी, जो मेरे अंदर जो था वो मेरे इंस्ट्रूमेंट की वजह से ख़त्म हो गया. क्योंकि एज आई एम अ फर्स्ट फीमेल पाकिस्तानी ढोल प्लेयर, मेरे से पहले किसी ने ये ट्रेंड सेट नहीं किया हुआ था, किसी को नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है. चूँकि मेरा इंस्ट्रूमेंट एक दरबारी इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्योरली दरबार से उठाया जाता है, वैसे हमें चौकों और चौराहों पर भी ढोल वाले मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपको इसको बकायदा सीखना है तो आपको दरबार पे जाना होता है, और दरबार पे हार्डली आपको फीमेल्स नज़र आएंगी, और स्पेशली जहाँ पर ढोल बज रहा होता है वहाँ पर तो फीमेल जाके सुनने का भी सोच नहीं सकती कि हम जाके सुन सकते हैं. तो वहाँ पर जाने के लिए और मुझे उस लाइफ में घुसने के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ा. मैंने इसको चूज़ नहीं किया. मैं एक जैसे ये ख़वातीन बैठी हुई हैं, मुझे फ़ीमेल से बहुत प्यार है. मुझे देख के वो एकदम से मेल्स वाली फीलिंग आ जाती है, यार इतनी सारी लड़कियाँ हैं, गॉड. आई वॉज 18 ईयर्स ओल्ड जब मेरी शादी हो गई. बिकॉज आई एम फ्रॉम ब्रोकन फैमिली, तो मेरे फादर ने चाहा कि मुझे जल्दी से रुखसत कर जाना चाहिए, जबकि मैं यूनिसेफ के साथ काम कर रही थी. व्हेन आई वाज इन 8th क्लास, मैं तब से उनके साथ काम कर रही थी वॉलेंटरली, और हम लोग वुमेन राइट्स पे काम करते थे, और तब हम इसी टॉपिक पे काम कर रहे थे कि लड़कियों की अर्ली मैरिज, तब 13-14 में शादियां कर दी जाती थी. तो हम लोग काम भी इसी पर कर रहे थे, बट स्टिल मुझे अपने पापा की बात को मानना था और मुझे शादी करनी थी. मुझे अपना पहला बेबी 21 में अल्लाह मियाँ ने ब्लेस कर दिया. व्हेन ही वाज 1 ईयर एंड 3 मंथ्स ओल्ड एंड 20 डेज, सडन डेथ थी मेरे बेटे की, और मैं इतना पैम्पर्डली पाला हुआ बच्चा था कि मेरी कभी बिल्ली भी अगर मर जाती थी तो पापा कहते थे उसको मैं हॉस्टल में, जब मैं बड़ी थी इवन, कि मैं उसको हॉस्टल में करवाया हूँ, वो पढ़ के बड़ा होके आ जाएगा. मतलब इतना हमें पैम्पर्डली पाला गया था कि डेथ का कॉन्सेप्ट हमारी लाइफ में नहीं था. मेरे बेटे की डेथ हो गई और मुझे जैसे भी समझाया गया कि इसके एक सब्र होता है, और अल्लाह के साथ कांटेक्ट करने के लिए आपको सिर्फ नमाज या कुरान या रोज़ा नहीं है, आपको बहुत सी चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ में अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, उसको सब्र कहते हैं. तो आपको सब्र करना है और रोना नहीं है. तो मैंने कहा इट्स ओके, फाइन, ठीक है. मैंने 1-2 दिन 3 दिन रो के और उसको अपने अंदर दबा लिया सब चीज़ों को, और सडनली कोई आफ्टर 3 मंथ्स एंड 8 डेज आई वॉज स्लीपिंग, मुझे कॉल आती है कि टीवी ऑन करो और न्यूज़ लगाओ. और मैं टीवी ऑन करती हूँ, न्यूज़ लगाती हूँ, और उस पर मेरे हस्बैंड की न्यूज़ चल रही होती है कि टारगेट किलिंग में मेरे हस्बैंड को मार दिया गया है. और उस टाइम पर मेरे बेटे की डेथ से पहले 11 मंथ्स पहले मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी. सो मैंने 1.5 साल में 3 डेथ्स देखी और मैं अकेला रह गया उस टाइम पे. अब वो जो सब्र जो सिखाया हुआ था कि अब वो अंदर मॉन्स्टर बन रहा था, खैर सब्र कर लिया, अब कुछ नहीं पता क्या करना है,
I was 21, 22 around. और मैंने अपने रूम में रहना शुरू कर दिया और मेरे भाई ने मुझे कहा कि तुम्हें कुछ करना चाहिए, करो, जाओ आओ और देखो. तो मेरे कुछ मार्केटिंग में कॉन्टेक्ट्स थे मैंने अपने दिल को लगाने के लिए एक दो काम एक्टिवेशंस ब्रांड एक्टिवेशन करवाने की कोशिश की, बट मुझसे वो नहीं हुआ. मीनवाइल मेरी बर्थडे आई और मुझसे पूछा गया तुमने क्या गिफ्ट लेना है. तो मुझे नहीं पता था, बस मैंने बाय द वे कह दिया मुझे ढोल चाहिए और मैंने वो मुझे वो ढोल मिल गया. वो बहुत मुश्किल, क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम म्यूज़िक फैमिली, तो वो बहुत मुश्किल एक काम था ढोल ढूंढना, बट स्टिल मुझे वो ढोल ख़रीद के दे दिया गया. अब मुझे ऐसा लगने लग गया कि मैं रूम में अकेली नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सब्र कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो एक सेंसेशन होती है ना. यहाँ पर ख़वातीन हैं तो माएँ भी होंगी और उनको भी पता होगा कि जब ऐसे गोद में उठाते हैं बच्चे को और फिर थोड़ी देर बाद एडिक्शन होती है या कुछ घंटों बाद एडिक्शन होती है और हम फिर अपने बच्चे को उठाते हैं. तो बस वो एक एडिक्शन थी और वो मेरी बाजू खाली थी, बाकी शायद मैं हजम कर गई थी बात को. तो ढोल जब आया मेरे कमरे में तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ. अब वो जो अंदर मॉन्स्टर था, वो जो एग्रेशन मैंने रखा हुआ था, उसको मैं अपने आगे ढोल को रखती थी और उसको मैं सही पीटती थी और बड़ा मज़ा आता था. लेकिन मुझे नहीं पता था ये कौन है जो मेरे पास आया है. अब वो मुझे थोड़ा सा बजाना आता था. मैंने सोचा यार इसको सीखते हैं अगर कोई चीज़ है, क्योंकि मैं 24 घंटे उसके साथ लगी रहती थी. तो अब मेरा सारा जो जहन था वो उसके अंदर था. मैंने एक टीचर ढूंढे जो कि कोक स्टूडियो में ढोलक प्ले करते हैं, वो मैंने ढूंढे. उन्होंने मुझे थोड़ी सी उसकी एक दो बीट्स बताई, बट उन्होंने मुझे उसकी बैकग्राउंड बताई. उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था यार ये क्या बातें हैं, इस तरह नहीं होता कि आपको कोई चीज़ सीखनी है तो आपको दुआ चाहिए, आपके पीछे उस्ताद का हाथ होना चाहिए. ऐसे नहीं होता, हम तो जाते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, पढ़ के आ जाते हैं. मतलब उस्तादी शागिर्दी वाला सीन तो हमने कभी देखा नहीं था. वेल, मुझे जब उसकी डिटेल्स पता चली तो मैं शाहजमाल सरकार गई, जहाँ से इसको शुरू किया जाता है, जहाँ से नाम होता है. चूँकि अब मोहब्बत बहुत ज़्यादा हो चुकी थी अपने इंस्ट्रूमेंट से, इश्क तक पहुँच गई हुई थी बात. गूंगा साईं जी और मिठू साईं जी वहाँ पर ढोल प्ले करते हैं, जिनकी मैं स्टूडेंट हूँ. मैं उधर दरबार पर गई जहाँ मैंने वो समा पहली दफ़ा देखा था, जहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं और सिर्फ स्टफ चल रहा है और वहाँ पर इस तरह का कोई इंसान नहीं है जिसको हम कहें एक्सक्यूज़ मी तो वो आपके लिए जगह छोड़ देगा, या वो खुद ही देख लेंगे कि वो हो लेडीज़ हैं, अच्छा उनको जगह दे दी जाए. बल्कि वो देख रहे हैं अबे वाह लड़की आई है यार, मतलब और ज़्यादा झुरमट में करीब हो जाए. वो जगह थी. आई वेंट देयर और मैं उन दोनों के बीच में जाके बैठ गई. फिर मैंने उनसे डिटेल पूछी, भाई सीखना है क्या, इसका स्टेटस है. उन्होंने मुझे डिटेल्स बताई कि आपको शागिर्दी लेनी पड़ेगी इसके लिए बकायदा, जो कि एक पूरी रस्म है, जैसे निकाह होता है और लड़का और लड़की दोनों हलाल हो जाते हैं एक दूसरे के लिए, इसी तरह कुछ ऐसे ही अल्फाज हैं और कलामात हैं जो कुरानी ही हैं, जैसे आयात कुछ पढ़ते हैं तो निकाह हो जाता है, तो इसी तरह कलामात हैं जिसको पढ़ने से आप ढोल के साथ आपकी शागिर्दी हो जाती है और आप हलाल बच्चे बन जाते हैं उन उस्ताद के. फिर उनके जितने स्टूडेंट्स और होंगे वो आपके पीर बहन भाई कहलाएंगे. अब मुझे शागिर्दी तो मिल चुकी थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं जिन लोगों की शागिर्दी ले रही हूँ वो किस तरह के लोग हैं और मुझे किस तरह की मेरी अगली ज़िंदगी कैसी होने वाली है. मैंने शागिर्दी ले ली. जब मैं उनके घरों में गई, हमें डाइनिंग टेबल से शायद नीचे बैठना तो बहुत मुश्किल काम हुआ करता था, अभी भी हम लोग सब चेयर्स पे बैठे हुए हैं, लेकिन अब चेयर पे बैठना मुश्किल काम लगता है. तो मैंने उनके साथ ज़मीन पे बैठ के खाने खाए. उन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि फिर जो उन्होंने किया वो मैंने किया. अब हम अगर तीनों खड़े हों स्टेज पर तो उनमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं लगता. ये आज मैं थोड़ा लड़की बनने की कोशिश में थी तो इसलिए शायद मेरे कपड़े चेंज है, वरना जिस तरह उनके कैंठों से भरा होता है गला, मेरी बाजू यहाँ तक भर गई धागों के साथ, मेरे पैरों में कड़े हुआ करते थे, अभी भी स्टिल हैं, मेरे गलों में कैंठे थे.
वो लाइफ स्टार्ट हो गई और मुझे नहीं पता चला कि मैं कहाँ को जा रही हूँ और मैंने 5 साल उस नशे में गुजार दिए कि मैं अपना ढोल सीख रही हूँ और मैं पीछे से दुआ ले रही हूँ और मौला की ये नौबत है जो मैंने गले में डाली हुई है और मैंने लाहौर का और बहुत सी ऐसे और सिटीज़ हैं जिसका कोई दरबार नहीं छोड़ा, जिस पे मैंने जाके ड्यूटी नहीं की। ड्यूटी बोलते हैं जो हम अल्लाह के नाम पे ढोल बजाते हैं कि अब मालिक हमें लंगर देगा, मीन्स कि हमें काम देगा, क्योंकि ये फ़कीरी काम है। मैं मदर की तरफ से कादरी सिलसिले से हूँ तो मुझे फैमिली ने बहुत ज़्यादा बोला कि भाई हम तो एक ख़ुद सिलसिले से आए हैं, हम लोगों के खुद के मज़ारात हैं, अब हमारी बेटी आसी बनेगी और फ़कीर बनेगी। फिर मैंने 3 साल की फ़कीरी मांगी जिसमें मैंने मांग के खाना खाया और ये सारे अरसे में मैं बिल्कुल अकेली रह चुकी थी क्योंकि ढोल था और लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो मुझे सब ने छोड़ दिया और भाई एक रह गया था, उसने भी मुझे छोड़ दिया हुआ था तो मैं अकेली रह गई थी। मैंने उसमें रूह डाली और उसने मुझ में रूह डाली और आज जो वो तन्हाई थी, वो जो अकेलापन था, उसने मुझे इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया कि मुझे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बाहर भी बहुत सारी दुनिया जानती है और वो सिर्फ प्यार करती है। मैं पाकिस्तान में वाहिद एक फ़ीमेल हूँ जो मलंग है और दरबारी है और मुझे इसमें कोई वो नहीं है कि मैंने अपनी हर चीज़ छोड़ दी। और थैंक यू, जो मैंने अडॉप्ट किया वो मेरा बच्चा है, मेरा ढोल है। अब मुझे 1 साल पहले पता चला कि मैं कौन थी और क्या थी, क्योंकि मुझे तो बोलना भी भूल गया हुआ था कि बोलते कैसे हैं जब आप दरबारों पर रहते हो। तो मैंने एक मलंग मुझे मिला जो इसका मुझे लगा कि हाँ मेरे साथ इसका माइंड मिल सकता है, क्योंकि दरबारी खातून से कोई भी शादी नहीं करता। जिसने मर्दाना कपड़े पहने होते हैं और वो नंगे पाँव होती है और उसके हाथ पाँव गंदे होते हैं और पता नहीं कैसे कैसे होते हैं, अगर आप दरबार पर देखें तो उससे कोई शादी नहीं करता। खैर मुझे एक मलंग मिला, ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम वेल सेटल्ड फैमिली, लेकिन वो भी ऐसे दरबारी मलंग हो गया और मैंने शादी कर ली। सबसे अच्छी बात ये थी कि मुझे उन्होंने मना नहीं किया, मेरा जो प्रोफेशन था उससे मुझे मना नहीं किया, क्योंकि मैं प्रोफेशनली ढोल प्ले करती हूँ, कॉर्पोरेट इवेंट्स भी करती हूँ, प्राइवेट इवेंट्स भी करती हूँ, बल्कि उन्होंने मेरा साथ दिया। अब मसला ये हुआ कि मैं 3 मंथ्स पहले प्रेग्नेंट हुई और मुझसे वो चीज़ अब एक्सेप्ट नहीं की जा रही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो मेरी औलाद है। मेरे डॉक्टर ने मुझे मना किया कि यार ये तो नहीं बच सकता, इसका कुछ करो क्योंकि ये वज़न है, उठ नहीं सकता। मैंने कहा सॉरी डॉक्टर, मैं उस औलाद को नहीं छोड़ सकती, इसका तो फिर मौला ने दिया, खुद ही देखी जाएगी। तो अभी तक मैं स्टिल उस चीज़ में हूँ, बट मैं खुश इस वजह से हूँ सब आप लोगों को देख के कि आप लोगों ने जो भी काम किया उसमें आप लोग अंदर से नहीं टूटे, आप जो थे वो रहे। तो इसके लिए एक दफ़ा तमाम ख्वातीन अपने खुद के लिए ताली बजा दें, क्योंकि आई लव फीमेल्स। मेरा ये माइक ऑन कर दें।